हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूही किड्स लर्निंग। आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास फर्स्ट मैथ्स वर्कशीट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 4। 4 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, 10। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर है 13। फिर है 25। तो सबसे बड़ा 25 है, तो सबसे बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे 29, 7, 30 और 16 है। तो सब में छोटा कौन हुआ, 7। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 29, फिर 30। नेक्स्ट इसमें है 12, 75, 6 और 20। सबसे छोटा नंबर 6 हुआ, फिर हुआ 12, फिर 20, फिर 75। यहाँ पे 80, 51, 8 और 40। इसमें सबसे छोटा 8 है, तो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 40 है, उसके बाद 51 है, फिर 80 सबसे बड़ा है, तो इसको पीछे लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द नंबर्स नेम। इस वर्कशीट में बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका नेम लिखना है। तो फर्स्ट में है 180, तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 का लिखेंगे, ओ एन ई 1, फिर 100, एच यू एन डी आर ई डी 100, फिर 80, 80 का क्या होता है, ई आई जी एच टी वाई 80। फिर यहाँ पे 100 है, तो 100 का लिखेंगे, एच यू एन डी आर ई डी 100। फिर है 220, तो पहले लिखेंगे 2 का, फिर 100 का लिखेंगे, फिर 20 का लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 105, पहले 1 का लिखेंगे, फिर से 100 का लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 145, पहले 1 का लिख लिए, फिर 100 का लिखेंगे, फिर 40 का लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल। इस वर्कशीट में बच्चों को नंबर्स को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे है 112 और 180, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 180। तो क्या हो जाएगा, 112 लेस देन 180। जो नंबर बड़ा होता है उधर ये दोनों मुंह खुला रहता है, और जो नंबर छोटा रहता है उधर बंद रहता है। यहाँ पे है 132, 152, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ, 152। फिर यहाँ पे है 120, 120, तो दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे है 175 और 75, तो ये 75 छोटा है 175 से, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देंगे। फिर यहाँ पे है 154 और 153, तो 154 बड़ा है, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन देंगे। फिर है 90 और 90, तो यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। इस वर्कशीट में बच्चों को क्या करना है, दिए हुए क्लॉक में जो टाइम हो रहा है यहाँ पे लिखना है। तो क्लास 1 में बच्चों को सिर्फ आवर्स के बारे में बताए जाते हैं, मिनट के बारे में उन्हें बाद में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट में बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 9 पे है। तो अगर बड़ी सुई 12 पे हो और छोटी सुई जिस भी नंबर पे होता है ना, उतना टाइम होता है। तो यहाँ पे 9 पे है, तो क्या हो जाएगा, 9 o'clock, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। फिर यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 7 पे है, तो कितना हुआ, 7 o'clock, तो यहाँ पे लिख देंगे
11 o'clock. नेक्स्ट यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 10 पे है, तो कितना हुआ 10 o'clock. यहाँ पे 3 o'clock. नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द मिसिंग बैकवर्ड नंबर्स. इस वर्कशीट में बच्चों को क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए मिसिंग नंबर्स को फिल करना है. तो यहाँ पे 130, तो क्या होता है 130 का बैकवर्ड 129, फिर 128, फिर हो जाएगा 127, 126, 125, 124, फिर 123, 122, 121, 120, 119, 118, 118 का बैकवर्ड क्या हो जाएगा 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, फिर क्या हो जाएगा 110, 109, 108, फिर 107. नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द करेक्ट आंसर. इस वर्कशीट में बच्चों को क्या करना है, इधर कुछ शेप बनाए हुए हैं और इधर उनके नेम लिखे हुए हैं, जो शेप का सही नेम है उसमें सर्कल करना है. जैसे यहाँ पे ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल, तो इधर देखेंगे ट्रायंगल कहाँ है, उसमें सर्कल करना है. ये तो ओवल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, तो ट्रायंगल यहाँ पे है ना, इसमें सर्कल कर देंगे. फिर ये क्या है, सर्कल, तो इधर देखेंगे सर्कल कहाँ है, ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, ये सर्कल है, तो इसमें भी सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसमें भी सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है ये कौन सी शेप है बच्चों, ओवल, तो ओवल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो इसमें सर्कल कर देंगे. तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.